ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। कोरोना काल में गोवंश रक्षा हेतु चारे की व्यवस्था। मुरैना जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के कारण मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में धारा 144 के चलते कर्फ्यू लॉकडाउन की विषम परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे में मुरैना नगर में विचरण करने वाले निराश्रित गोवंश और गौमाताओं के चारे की चिंता करना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे भूखे प्यासे गोवंश की रक्षा हो सके, क्योंकि इस समय सभी बाजार और आमजन का घरों से निकलना शासन की आज्ञा से पूर्णतया प्रतिबंधित है। ऐसे में गोवंश के भरण पोषण का गहन संकट भी नगर में उत्पन्न हो गया है। मुरैना नगर में 26 मार्च से निरंतर जन सहयोग से गौ ग्रास सेवा गौ सेवा को द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके नियमित संचालन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप कोरोना काल में गौ ग्रास का निर्माण किया गया, जिसमें दानदाताओं द्वारा आर्थिक एवं श्रम सहयोग के लिए संकल्प राशि की घोषणा की जाती है। इस सेवा कार्य के अंतर्गत पिछले 16 दिन में मुरैना शहर के विभिन्न बस्तियों गलियों मोहल्लों में विचरण करने वाली निराश्रित गौवंश के गौ ग्रास में लगभग 1,80,000 का व्यय हो चुका है, जिसका आय व्यय का संपूर्ण ब्यौरा उपरोक्त व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन दानदाताओं के नाम एवं दान की संकल्प राशि के साथ दर्शाया जाता है। इसी क्रम में गौ ग्रास की सेवा में कार्यरत सेवाभावी गौ भक्तों के द्वारा अर्थ के साथ श्रमदान करते हुए मुरैना शहर के जीवावीगंज महाराज अग्रसेन पार्क में भूसा पीना का घोल, हरा चारा और आटा हरी सब्जियां मिक्स की जाती हैं। फिर पूरे नगर एवं गली मोहल्लों में गौ सेवकों द्वारा निराश्रित गौवंश को गौ ग्रास खिलाया जाता है। मुरैना से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट।